जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही प्रार्थना है, आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। आज मेरे पास में एक कोटेशन आई और मेरे को लगा कि आपके साथ में शेयर करूं, आपको भी सुनकर के बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जब खुद से ना सुलझे हमारे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। तो आज मेरे पास बहुत अच्छी कोटेशन आई, तो वो मैं सुनाना चाहूंगी आपको। तू नाराज तो है अपने इंसान से भगवान, नहीं तो मंदिरों के दरवाजे कभी बंद ना करता। सजा दे रहा है कुदरत से खिलवाड़ की, नहीं तो गुरुद्वारों से लंगर कभी ना बंद करता। उन बारिश की बूंदों से संदेश मिला, रोता तो तू भी है जब इंसान आंसू बहाता है। माफ कर दे अपने बच्चों के हर गुनाह को प्रभु मेरे मालिक, क्योंकि तेरी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल पाता है। मोदी जी का हमने स्पीच सुनी और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारे को इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर मिले हैं हमारे को। आप ये देखिए, उन्होंने 9 मिनट ही स्पीच दी और 9 बजे और 9 मिनट के लिए सारे मंगल करने के लिए, हमारे जीवन में मंगल लाने के लिए, अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाने के लिए उन्होंने स्पीच दी है। और उन्होंने बोला है दीपक जलाने हैं आपने। आप देखिए, हनुमान जयंती भी आने वाली है, तो हनुमान जी हमारे सारे कष्टों को दूर करेंगे, राम की कृपा से हमारे को कोई ना कोई रास्ता दिखाई देगा। उन्होंने इसीलिए हमारे को बोला है कि हम लोग सब मिलकर के दीपक जलाएं, क्योंकि इस समय 24 घंटे घर के अंदर रहने की वजह से लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर जा रहे हैं, या घरेलू झगड़े की वजह से, और एक डर पैदा हो गया है इंसान के अंदर, बाहर निकलने से डर पैदा हो गया है। बाहर तो अभी हमें जाना ही नहीं है, घर के अंदर ही एक डर हो गया है हमारे को। तो उस डर को ख़त्म करने के लिए, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ये बोला है कि हम लोग सब मिलकर के उस महाशक्ति का आवाहन करें। कहते हैं जिस समय युद्ध होता है, युद्ध होने वाला होता है, तो उससे पहले जो है शंख बजाया जाता है, और शंख इसलिए बजाया जाता है विजय होने के लिए। तो ये जो दीपक हमारे को जलाने के लिए बोला है, 5 तारीख को, 5 तारीख, 4th महीना यानी कि अप्रैल मिलाकर के 9 नंबर और 9 ही बजे और 9 मिनट, तो 3 बारी 9 हो गया। तो मंगल, 9 नंबर मंगल का नंबर है और मंगल हनुमान जी। तो मंगल करने के लिए, हनुमान जी से प्रार्थना करने के लिए कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हमारे को कोई मार्गदर्शन कराओ इस अंधकार के अंदर। जो अदृश्य है, जो दुश्मन अदृश्य है, अपनी अदृश्य शक्तियों के द्वारा उस अदृश्य जो एनिमी है, जो डिजीज है, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने कहा है। तो हम सब ने मिलकर के इसका मान करना है और हम सब ने मिलकर के दीपक जलाने हैं। और जिस समय दीपक जलाए, उस पीरियड के अंदर आप किसी भी धर्म के अंदर हैं, जरूर आप प्रार्थना करिए 9 मिनट। कहते हैं 9 नंबर एंड होता है, उसके बाद में कोई नंबर नहीं होता, अंत होता है, सेनापति होता है। तो सेनापतियों की तरह हमने अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ में मिल करके इस जो जंग हमारी है, जो लड़ाई है, जो संसार के अंदर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हमने खत्म करना है। आज के लिए बस इतना ही।